ये जो पार्किंग देख रहे हैं ना, ये सब उन्हीं की गाड़ियां खड़ी हैं जो नैनीताल में एंटर किया है इन्होंने। और इन्होंने होटल बुक नहीं किया होगा पार्किंग वाला, तो इनकी गाड़ी सारी यहाँ पर पार्क कर दी है। यहाँ से शटल सेवा से इनको लेकर के जा रहे हैं एंड यहाँ पर चेकिंग चल रही होगी। देखो मैं दिखाता हूँ आपको अभी, ये देखिए यहाँ चेकिंग चल रही है। सो चेकिंग किस तरह से चल रही है आज मैं दिखाने वाला हूँ। ये हाँ, कोई नहीं, चलने दो, बनने दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा है, तो ऐसा सीन है इधर का कुछ। यहाँ पर चेकिंग चल रही है भयंकर वाली, जिनकी बुकिंग्स होगी वही लोग ऊपर जाएंगे अभी। ये तो इस तरह से चेकिंग चल रही है यहाँ पर। हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। तो गाइस, इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज बहुत डिफरेंट जगह से, बिकॉज आज मैं बारापत्थर आ गया हूँ एंड मेरे साथ में मुदस्सिर भाई भी आ गए। तो मुदस्सिर भाई बैठे हैं स्कूटी पर। आज हम जा रहे हैं यहाँ से वापस जहाँ पर नो एंट्री चेक पोस्ट लगा हुआ है वहाँ पर, एंड ये हॉर्स राइडिंग का पॉइंट है। नैनीताल का बेस्ट प्लेस है ये भी। यहाँ पर लवर्स पॉइंट एंड सुसाइड पॉइंट दोनों पॉइंट्स बने हुए हैं, तो वो दोनों चीज़ें मैं बता दूँ आपको अभी। तो बता दें, यहाँ पर पहले एक छोटा सा कैफे बना होता था, वो तोड़ दिया है। यहाँ से नीचे को जाएंगे जहाँ हमारी स्कूटी खड़ी है, तो यहाँ पर लवर्स पॉइंट एंड सुसाइड पॉइंट दोनों बने हुए हैं। यहाँ से पूरा हॉर्स राइडिंग का एरिया बना हुआ है। यहाँ से पूरा हॉर्स बाय हॉर्स ही जा सकते हैं टिफिन टॉप के साइड, पैदल भी जा सकते हैं 3-4 किलोमीटर। बाकी मतलब अच्छा प्लेस, अच्छी जगह है। नैनीताल वेदर की बात करें तो नैनीताल का वेदर इस वक्त बिल्कुल डार्क हो रहा है, पूरे में बादल बादल छाए हुए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा से कि इस समय क्या बादल आए हुए हैं नैनीताल के अंदर। तो सामने से देखिए गाइस, पूरा एकदम डार्क हो गया है, बादल हो गए हैं। 2 दिन पहले भी बारिश पड़ी यहाँ पर काफ़ी, एंड अभी फिर से बारिश का मौसम बन गया है और यहाँ पर काफ़ी क्राउड भी है। लेकिन अभी ये हॉर्स खड़े हुए हैं, यहाँ से पूरा हॉर्स राइडिंग का एरिया पूरा। तो अभी चलते हैं वापस नीचे नो एंट्री चेक पोस्ट पर, देखते हैं वहाँ पर क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, आने वाले लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलें सर, चलिए। एंड वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ही प्यारा वेदर हो रहा है, बहुत ठंडा हो रहा है गाइस। तो अपने साथ में जैकेट और अपना स्वेटर जरूर लेकर के आए। नैनीताल का जो साइट सीन के पॉइंट्स है वो सारे इसी रूट पर बने हुए हैं। तो ये बारापत्थर के पास है, सारा रूट कटते हैं, एक दो रास्ते इधर उधर को जाते हैं, सारा यहीं पर घूमने का। अभी आराम से इजीली घूम सकते हैं और अपनी गाड़ी से भी घूम सकते हैं। बट ये कि अपनी गाड़ी लाने में थोड़ा सा रिस्की हो जाता है कि आपको रास्ते पता नहीं होते, इसलिए ऐसे टैक्सी लेनी पड़ती है। और टैक्सी से आपका टाइम सेव हो जाता है, बिकॉज उनको सब कुछ पता होता है, जल्दी जल्दी वो आपको कवर करा देते हैं। एक पॉइंट हमारे सामने है बिल्कुल, ये जस्ट पीछे हमारे खुरपताल पॉइंट है, जो गाय के खुर के पैर के आकार का बना हुआ है। हम लोग वहाँ जा नहीं रहे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, तो आप लोग यहाँ आएंगे आराम से इजीली देख सकते हैं इस पॉइंट, खुरपाताल लेक व्यू पॉइंट। तो अभी हम जा रहे हैं चेक पोस्ट के पास में। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है गाइज, यहाँ से बहुत ही शानदार व्यू मिलता है। यहाँ बहुत नीचे तक का प्लेन एरिया पूरा कवर हो जाता है। हेलो भैया, कैसे हैं? तो ये सामने से भी देख सकते हैं ऊपर का पूरा जो पहाड़ी एरिया है ना, पूरा नीचे खसक खसक के पूरा आधा हो गया है। ये ट्रक भी आता है भाई नैनीताल में। और ये सामने जो HBG से देख रहे हैं आप, तो ये लिखा है हिमालयन बोटैनिकल गार्डन। तो ये एक बहुत ही शानदार गार्डन है, इस गार्डन में भी आप इंजॉय कर सकते हैं गाइस। तो इस हिमालयन बोटैनिकल गार्डन का रास्ता गाइस ये कि मैंने आपको दिखा दिया है, और ये हमारा रास्ता जहाँ हम जा रहे हैं, है ना। तो लगभग हम लोग पहुँच ही गए गाइस जहाँ पर चेकिंग होती है। और नीचे जो पार्किंग देख रहे हैं ना, ये सब उन्हीं की गाड़ियाँ खड़ी हैं जो नैनीताल में एंटर किया है इन्होंने। और इन्होंने होटल बुक नहीं किया होगा पार्किंग वाला, तो उनकी गाड़ी सारी यहाँ पर पार्क कर दी है। यहाँ से शटल सेवा से इनको लेकर के जा रहे हैं एंड यहाँ पर चेकिंग चल रही होगी। देखो मैं दिखाता हूँ आपको अभी, ये देखिए यहाँ चेकिंग चल रही है। सो चेकिंग किस तरह से चल रही है आज मैं दिखाने वाला हूँ। ये है, हाँ, कोई नहीं, चलने दो, बनने दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा है, तो ऐसा सीन है इधर का कुछ। यहाँ पर चेकिंग चल रही है भयंकर वाली, जिनकी बुकिंग्स होगी वही लोग ऊपर जाएंगे अभी। ये तो इस तरह से चेकिंग चल रही है यहाँ पर। तो गाइस ये सारा जाम जिनकी बुकिंग नहीं है उनका है, देख सकते हैं आप कितना लंबा जाम लगा हुआ है यहाँ पर, एंड पीछे से पूरा जाम जाम लगा हुआ था। और ये गाड़ी जो वापस आई है ये इसलिए आई है, इन्होंने टैक्सी मतलब ली नहीं होगी, इनको जाना नहीं होगा टैक्सी से, ये जो गाड़ी आ रही है, तो इसलिए वापस आ गए ये लोग। बाकी हम ट्राई करेंगे कि
या किसी की यहाँ से बुकिंग हो जाए ऑफलाइन तो हम भी कर सकते हैं, बुकिंग हमारा होटल है ही, पार्किंग भी हमारे पास है नैनीताल में, तो वहाँ पार्क कर देंगे इनकी गाड़ी। तो गाइस हम लोग भी रुक गए अभी, और ये पूरा जाम यहाँ से लेकर के जहाँ चेक पोस्ट था वहाँ तक लगा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, कम से कम 200-300 गाड़ियाँ लगी होंगी अराउंड, इतनी होंगी, मैंने गिनी तो नहीं है लेकिन अंदाज़ा बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पर कुछ चेकिंग चल रही है भयंकर वाली, जिसकी पार्किंग वाला होटल बुक है ना उसी को जाने दिया जा रहा है, उसके बाद जिनकी बुकिंग नहीं है मतलब जिनका होटल बुक नहीं है पार्किंग वाला या होटल बुक है तो उसको फिर शटल सेवा से भेज रहे हैं, जिसकी पार्किंग नहीं है मतलब होटल की, जैसे लाइक हमारा होटल है स्टार गेस्ट हाउस तो उसमें पार्किंग नहीं है, जो गवर्नमेंट पार्किंग जिसमें शो है ना, जो लिस्ट यहाँ पर लगी हुई है, जो लिस्ट लगी हुई है यहाँ पर, एक लिस्ट लगी है जिस लिस्ट के अंदर सारे होटल्स के नाम लिखे हुए हैं, उस लिस्ट के अंदर जो पार्किंग वाले होटल हैं वो लिस्ट बनी हुई है, जिनके पार्किंग नहीं है वाले होटल नहीं है उसके अंदर, तो बाकी रजिस्टर्ड होटल तो है नैनीताल में लेकिन उनके अंदर पार्किंग नहीं है तो इसलिए वो लिस्ट के अंदर है नहीं। बाकी का यहाँ से जिनकी बुकिंग नहीं है वो बुकिंग करवा ले रहे हैं, और बाकी लोग यहाँ से शटल सेवा से जा रहे हैं नैनीताल को, तो अभी हम देखते हैं अगर किसी की बुकिंग नहीं होगी तो हम भी कर सकते हैं ऑफलाइन। बाकी हमारे पास ये पेट्रोल पंप है उसके सामने पार्किंग है तो वहाँ पर हम गाड़ी उसकी पार्क करवा देंगे, पेड पार्किंग है वो भी 120 रुपीज़ लेते हैं फरहान भाई की, हम जानते हैं उनको तो बुक कर देते हैं वहाँ पर, पार्किंग अभी खाली पड़ी हुई है तो चलिए देखते हैं फरहान भाई हमसे बुक कराएंगे अभी। तो आसान है क्या, एक चेक पोस्ट ये भी है लेकिन यहाँ पर आज मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा चेकिंग करता हुआ, है बैठे हैं सामने ऊपर की तरफ को चेकिंग हो रही थी बस, एंड यहाँ पर सिर्फ दो भैया बैठे हैं जो चेक कर रहे होंगे, ये चेक पोस्ट है पूरा। तो फिलहाल गाइस हम लोग रुक गए हैं अभी वाटरफॉल वाले चेक पोस्ट पर, यहाँ पर भी चेकिंग हो रही है लेकिन बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं लगी हैं, इसके ऊपर वाले पे ही काफ़ी गाड़ियाँ लगी हुई थी। अब यहाँ थोड़ा खा भी लेते हैं हम लोग, दूसरे भाई ने क्रॉस भी कर लिया क्योंकि गेट बंद है, और हम लोग यहाँ से ऐसे और ऐसे करके क्रॉस करके हम आ रहे हैं। बोल रहा हूँ दो मैगी बना दो भैया, दो चाय दे देना। तो फिलहाल दो मैगी और दो चाय का ऑर्डर दे दिया मैंने, काफ़ी लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, वाटरफॉल के बिल्कुल नीचे बना हुआ है, पहले ही वाटरफॉल से लगभग 200 मीटर पहले जहाँ पर चेकिंग हो रही है वहाँ से। फाइनली अपनी मैगी आ गई गाइस, तो मैगी खाते हैं उसके बाद फिर अपना काम धाम देखेंगे। एंड पहाड़ों में चाय और मैगी का मज़ा ही अलग है, अगर पहाड़ों में आप इस तरह से पहाड़ के साथ में आसपास में बैठे हो और चाय पी रहे हो तो आपको बिल्कुल ही अलग लेवल फील होगा। तो फाइनली चाय और मैगी हो गई है, अभी चलते हैं यहाँ से। ने अपनी स्कूटी सामने पार्क कर दी थी हमने, और यहाँ हमने मैगी और चाय पी भाई, दोनों चीज़ें बिल्कुल ही बेकार थी, ना मैगी अच्छी थी उसकी, ना केचप अच्छा था, ना चाय अच्छी थी, चाय बिल्कुल ठंडी दे दी उसने। हाँ मुदस्सी भाई, तो भाई ये लिखा है कनवाल रेस्टोरेंट, इतना बेकार था यार, बहुत ही ज़्यादा इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव था, एक मैगी 70 रुपये की दी उन्होंने और हमें 30 रुपये की एक चाय थी, जिसकी दोनों की क्वालिटी इतनी बेकार थी, चलो 70 और 30 का कोई मैटर नहीं है लेकिन बिल्कुल बेकार था यार, चाय बिल्कुल ठंडी दे दी उसने, और उसका जो कैचअप था ना इतना बेकार घटिया, पता नहीं कैसी स्मेल जैसी आ रही थी, तो खाई भी नहीं हमने ढंग से, वैसे फेंकनी पड़ी हमारे। तो भाई अभी हम जा रहे हैं वापस नैनीताल की तरफ, जो चेकिंग चल रही है वहाँ पर देखेंगे अब क्या कंडीशन है, वहाँ थोड़ा देर रुकेंगे और चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे आपको भी दिखाएंगे। वापस हम चेक पोस्ट पर पहुँच गए लेकिन यहाँ से सारी गाड़ियाँ लगभग जा चुकी हैं, मुझे लग रहा है कुछ गाड़ियाँ पार्किंग में चली गई, कुछ नैनीताल को चली गई, यहीं रोके इधर अगर वो चलते हैं। तो ये गई सामने पार्किंग है, जिनकी बुकिंग नहीं है होटल की और पार्किंग की तो यहाँ पर गाड़ी पार्क हो रही है, एंड यहाँ सामने से देख रहे हैं गाड़ी खड़ी हुई है, अभी बुकिंग चेक करा रहे हैं सामने भैया जितने भी लोग खड़े हैं। तो वैसे इनकी बुकिंग नहीं थी इसलिए इनको नीचे पार्किंग भेज दिया, तो इस तरह से यहाँ पर अगर किसी की बुकिंग नहीं है तो उनको यहाँ नीचे भेज दे रहे हैं, और जिनकी अगर बुकिंग है तो सीधे नैनीताल जा रहे हैं वो।
तो गाइस फिलहाल हम लोग आ गए हैं चेक पोस्ट पर, और इस चेक पोस्ट का हाल देख करके तो मुझे मतलब समझ ही नहीं आ रहा क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ। यहाँ इतनी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें हो रही हैं, इतने ज़्यादा महंगे रूम बेचे जा रहे हैं, और इतनी ज़्यादा कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं मतलब बोल नहीं सकता हूँ। बहुत सारी चीज़ों को यहाँ देख रहा हूँ मैं, कई सारे लोग बेचारे आने के बाद वापस भी जा रहे हैं, तो पता नहीं स्ट्रिक्ट तरह से कोई चीज़ों को क्यों नहीं किया जा रहा है। तो कई सारी दिक्कतें हो रही हैं यहाँ पर। आप रूम बुक कर लें तो ज़्यादा बेटर है, यहाँ पर और महंगा लेना पड़ सकता है आपको, यहाँ से फिर शटल से बस जाना पड़ सकता है आपको, कई सारी चीज़ों की समस्या देखने को मिल सकती है यहाँ पर। तो कोशिश करिए कि आप होटल बुक करके ही आएँ। बाकी मैं चीज़ें बता नहीं सकता हूँ, दिखा नहीं सकता हूँ, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब ठीक नहीं है बताना और दिखाना ना। तो बाकी चलिए कोई नहीं, चलते हैं यहाँ से हम भी नैनीताल को। और लेकिन मतलब कुल मिलाकर ये कि मन ख़राब हो गया कई सारी चीज़ों को देख करके, तो अच्छा सा नहीं लगा। हमारा भी ऑफलाइन होटल है, मैंने भी एक दो लोगों से मतलब बात करने की कोशिश करी, देखा तो यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं ना वो काम करने नहीं दे सकते, मतलब किसी और नए आदमी को नहीं करने दे सकते कि हमारा ये है वो ऐसा दे रखा है वो दे रखा है ये करना है वो करना है, तो कई सारी चीज़ें ऐसी थी। तो बहरहाल नैनीताल चलते हैं, नैनीताल चल के देखते हैं। तो फाइनली गाइस वापस स्टार गेस्ट हाउस आ गए, मुदस्सिर भाई जा रहे हैं अब जिम यहाँ से, एंड मैं अभी घर पे जाऊँगा। तो अभी काफ़ी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं, काफ़ी चीज़ें मैं देख करके आ गया हूँ। तो बुकिंग ज़रूर कर लें, मुझसे कराना चाहो तो मुझसे करा लो, वरना तो आप खुद भी कर सकते हैं। बहुत सारे होटल्स हैं नैनीताल में जो, और पार्किंग वाला हमेशा करें, पार्किंग जिसमें उसी होटल को बुक करें। विदाउट पार्किंग वाले में थोड़ी समस्या हो रही है यहाँ पर, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा, और फिर नीचे इतने महंगे रूम लेने पड़ सकते हैं आपको, जहाँ पर चेक पोस्ट पर लोग खड़े हुए बुकिंग वुकिंग करने वाले, काफ़ी ज़्यादा महंगे रूम लेने पड़ सकते हैं। तो वहाँ पर बुकिंग करने से बेहतर है कि आप खुद कर लें, और अगर कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तो हमने डाल रखा है हमारे कॉन्टैक्ट पे, आप कॉन्टैक्ट करिए और आपको रूम इजीली बुक हो जाएगा। बाकी चलिए वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो पर लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।